पीएलएफआई की कुंद हुई धार को तेज करने में एक्टिव कुख्यात उग्रवादी दसाई पूर्ति उस गेड़े को खूंटी पुलिस ने दबोच लिया। छोटे बड़े हर कांडों में उसका नाम उछलकर सामने आता था। खूंटी पुलिस कप्तान अमन कुमार को ये भी भनक लगी थी कि गेड़े पीएलएफआई के ढह गए किले को फिर से मजबूत करने में जुटा हुआ है, वहीं नए नए नौजवानों को लोभ लालच देकर उसे संगठन से जोड़ने में लगा हुआ है। एसपी अमन कुमार को किसी ने फूंक मारी कि गेड़े अपने दस्ते के साथ मुरहू के एतरे अलटंडा में पनाह ले रखा है। इन लोगों का इरादा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का है। इसके बाद गठित स्पेशल टीम जंगल में घुसी। फिर क्या हुआ, सुने खूंटी एसपी अमन कुमार से। ये जो है क्षेत्र में भ्रमणशील है, कोई घटना को अंजाम देना चाह रहा है और इस एरिया में वसूली लगातार जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो गेड़े है इसी के नेतृत्व में किया जा रहा है। पिछले 40 दिनों में कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो लंबू के दस्ता के सदस्य थे या फिर उसके सपोर्टर थे, जो लगातार इस एरिया में सक्रिय थे। और ये सभी लोग, ये जो व्यक्ति पकड़ाया है कल गेड़े जिसका नाम है, ये सभी इसके निर्देशन पे काम कर रहे थे। और खूंटी क्षेत्र में पीएलएफआई का विस्तार करने के लिए और नए मेंबर्स को जोड़ने के लिए लम्बू ने गेड़े को ही पूरी तरह से प्रभार दे के रखा हुआ था। तो कल सूचना प्राप्त हुई और कल एएसपी अभियान, एसडीपीओ खूंटी और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें एतरे टोला जंगल के पास, अल्टुंडा जंगल के पास इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम दशाई पूर्ति और गेड़े है, जो कि एतरे का ही रहने वाला है और थाना मुरहू पड़ता है। और यह दम्बू के निर्देशन पर इस क्षेत्र में, खूंटी क्षेत्र में पीएलएफआई को लगातार बढ़ा रहा था, नए मेंबर्स को जोड़ रहा था और सभी को वेपन्स भी उपलब्ध करा रहा था। इसके पास से एक देसी कट्टा, 6 गोली, पीएलएफआई का चंदा रसीद, कुछ कैश, एक वॉकी टॉकी हैंडसेट जिससे ये लोग आपस में बातचीत भी करते थे, पिट्ठू बैग, चटाई और अन्य सामान जो है बरामद किए गए हैं। इस पर कुल 7 कांड दर्ज हुआ है, जिसमें कि हत्या के कांड, रंगदारी के कांड और आर्म्स एंड एक्ट के जो हैं कांड वो हैं। इस पूरे टीम में एसपी अभियान रमेश कुमार, अमित कुमार एसडीपीओ खूंटी, मृत्युंजय कुमार सीआरपीएफ द्वितीय कमान अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब शाहिद रजा पुलिस निरीक्षक खूंटी, चुड़ामनी टूडू थाना प्रभारी मुरहू, दिगंबर पांडे मुरहू थाना, सब इंस्पेक्टर विष्णु कुमार मुरहू थाना, हवलदार लखी कुजूर मुरहू थाना, आरक्षी कुंवर मुंडा और सशस्त्र बल जो थाना के और सीआरपीएफ की बटालियन थी वो शामिल।